हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर जरूर आऊँगा और आपके जीवन में ऐसा समय लाऊंगा तब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत और धोखा क्यों किया। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि सच भी है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उस प्रॉब्लम से लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये कहानी एक स्कूल टीचर की है जिन्होंने एक दिन क्लास में आया और सारे बच्चे को एक एक करके व्हाइट पेपर दिया। बच्चों ने व्हाइट पेपर को देखा तो उसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ है। अब जब सर ने पूछा बच्चों से कि बच्चों आपको व्हाइट पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, तो सारे बच्चे एक साथ बोले कि सर इसमें ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ है। तो सर फिर से सवाल किए कि बच्चों आपको व्हाइट पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चों का जवाब वही था कि सर इसमें ब्लैक सर्कल बना हुआ है। सर फिर से वही सवाल किए। ऐसा करते करते 10-15 बार सर ने वही सवाल पूछा, बच्चों का जवाब भी वही था कि सर इसमें ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ है। तो सर ने बोले, बच्चों मैं आप सबको कितना सवाल किया कि इस पेपर में आप सबको क्या दिखाई दे रहा है, आप सबका जवाब एक ही है कि ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ब्लैक सर्कल के बाहर आप सबको क्या व्हाइट पेज दिखाई नहीं देता? तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। भगवान कितनी अच्छी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी दी है, उस जिंदगी में जरा सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हम उसी को लेकर बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम्स के बाहर झांकते ही नहीं, प्रॉब्लम्स के बाहर देखते ही नहीं कि कितनी बड़ी जिंदगी है। जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम से बाहर देखते ही नहीं और ये सोचते ही नहीं कि अगर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और बड़ी लगेगी। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम्स आए ना तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से जिंदगी का आधी प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहिए, प्रॉब्लम्स का क्या है वो तो आते जाते ही रहेंगे। दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि नहीं जानते हैं आप लक्ष्य के कितने करीब हैं। जीवन में कभी भी हरा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो श्रीमद् गीता जी का शरण अवश्य ले। हार जीत क्या है ये मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि जिस बंदे में दम है वो जीरो से शुरुआत करने की ताकत रखती है। किसी ने सही कहा है, अगर किताब से सीखोगे तो नींद आती है, मगर जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही उड़ा देती है। शरीर से सुंदर कोई नहीं होता, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार, जिसके जीवन में ये सब है वो सबसे सुंदर इंसान है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कल से करेंगे, ये एक ऐसा वार्ड है इंसान को कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता। कम बोला करें, ज्यादा समझदार ज्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देती है। इंसान जितना ज्यादा समझदार होते जाता है उतना ही कम बोलता है, और जो कम बोलता है वो बातों को उतने ही अच्छे से समझ पाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।